हेलो गाइस, नमस्ते। प्रिया कुकिंग शो में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नया रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चाट बनाएंगे। चाट बनाने के लिए देखिए, मैंने चार आलू लिया है उबला हुआ, इसके बाद आरा रोट लिया है टिकिया बनाने के लिए क्रंची होने के लिए, और ये देखिए स्वाद अनुसार नमक। तो मटर को मैंने अच्छी तरह से इसको उबाल लिया है, तो चार से पांच सीटी लगा लीजिएगा ताकि अच्छे से मटर उबल जाए। और इसके धनिया कटाई है मैंने, इसके बाद प्याज, तो मैंने एक प्याज लिया है और दो मैंने मिर्चा लिया। हरी चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है लहसुन, मिर्चा और धनिया पत्ता लिया है हरी। इसके बाद लाल चटनी बनाने के लिए मैंने लिया इमली की पानी और गुड़ और स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए बनाते हैं। तो मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने इमली का रस लिया है, तो ये देखिए। इसके बाद मैंने गुड़ लिया है, तो ये गुड़ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। तो ये देखिए, मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा तीखे स्पाइसी बनाने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से ये गल जाएगा अच्छी तरह से, तो ये चटनी बन जाएगी मीठी इमली की। टिकिया बनाने के लिए आलू को मैश कर लीजिए अच्छी तरह से। तो ये देखिए मैंने आलू को मैश कर रही हूँ, आप भी मैश कर लीजिएगा इस तरह से। तो ये देखिए क्रंची बनाने के लिए देखिए आरा रोट का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं आरा रोट डाल रही हूँ इसके अंदर। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक, तो आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा। इसके बाद कुछ हरी मिर्चा डाल रही हूँ मैं, तो ये देखिए हरा मिर्चा डाल रही हूँ थोड़ा सा मैं। अब इसको अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, इसमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी। तो ये देखिए आलू मैश कर लिया है मैंने अच्छी तरह से, अब जा रही टिकिया बनाने के लिए। तो ये देखिए पैन में मैं तेल ले रही हूँ, पैन गर्म हो गया है तो मैं तेल ले रही हूँ रिफाइंड ऑयल। तो ये देखिए चार से पाँच चम्मच मैं तेल ले ली हूँ, अब ये तेल गर्म हो जाए। तो इस तरह से देखिए छोटा छोटा बॉल बना लीजिएगा पहले आलू का इस तरह से, फिर इसको हाथ में डाल के इस तरह से इसको दबा दीजिएगा। तो ये देखिए मेरा टिकिया बन गया है, मैं इसको अब जा रही फ्राई करने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से फ्राई करना है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से टिकिया बना लिया है, एक तरफ ये लाल हो जाए ब्राउन हो जाए तो मैं दूसरी तरफ इसको पलटूंगी। ये देखिए इस तरह से ब्राउन हो जाए। पलट रही हूँ इसको थोड़ा सा, तो ये देखिए इस तरह से पलटना है आपको। तो ये देखिए तो देखिए चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैं मटर डाल रही हूँ, जो उबला हुआ मटर है वो मैं डाली हूँ इसके अंदर इस तरह से। तो ये देखिए जो मैंने हरी चटनी बनाई है वो डाली हूँ इस तरह से। तो मैंने हरी चटनी डाल दिया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल चटनी, तो ये देखिए मीठी चटनी।
इसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर दही। तो इसके बाद मैं डाल रही हूँ गार्निश करने के लिए, मैं देखिए प्याज डाल रही हूँ, हरी धनिया, हरा मिर्चा, चुटकी भर नमक डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा चाट मसाला स्वाद बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा चिप्स स्वाद बढ़ाने के लिए, देखिए बेसन का भुजिया इस तरह से डालना है। स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ी सी हरी चटनी और मैंने डाला, और थोड़ी सी दही। तो ये देखिए बन के तैयार है चाट। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।